हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा ब्रेड। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इस तरफ हमने एक बोल ले लिया, 5 अंडे ले लिए हमने और 4 ब्रेड। तो अंडों को फोड़ लेते हैं। इस तरीके से सभी हम अंडे फोड़ लेंगे इसमें। फ्रेंड्स, सभी अंडों को हमने फोड़ लिया। अब इसमें हम सॉल्ट डालते हैं। तो आधा चम्मच इसमें हमने नमक ले लिया। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेते हैं। ऐसे करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितना अच्छा आप फेंटोगे इसको, उतना ही अच्छा ये ब्रेडों को पकड़ेगा हमारे। तो फ्रेंड्स, इसको देख सकते हैं आप, अच्छे से हमने इसको फेंट लिया। अब एक कप हम फ्राई पैन या कुछ कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरफ हमने घी वो कढ़ाई चढ़ा लिया। अब इसमें एक चम्मच घी डालते हैं। आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बटर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। हम इसमें घी का उपयोग कर रहे हैं। तो घी को ऐसे कढ़ाई में चारों तरफ लगा लेना है। फ्रेंड्स, घी हमारा कढ़ाई में लग गया। अब इसमें हम ऐसे ब्रेड डालते हैं दोनों तरफ से और इसको कढ़ाई में ऐसे छोड़ देना है। जैसे ही अच्छी तरह एक तरफ से सिक जाए, इसको फिर पलट के सेकेंगे। एक कोट इसमें हमारा हो गया। अब इसको हम एक बार और डाल लेंगे अपने जो वो लिया हमने। इसको एक बार और हम ऐसे पलट लेंगे और पलट के फिर दोबारा से इसको ऐसे ही हम डाल देंगे। अब इसको दूसरी तरफ से हम पलट लेते हैं। बहुत अच्छे से इसका कोट हो गया है। अब इसको फिर से इसी तरफ से हम पलट लेंगे। अब देख सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से ये हमारे ब्रेड जो है सिक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अच्छा कोट हो गया है, गर्म हो रखकर ज़्यादा देख सकते हैं। अब बाकी के भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसमें हल्का सा घी और ऐड करते हैं। तो घी हमने इसमें लगा लिया। अब इसमें एक ब्रेड को और डालते हैं ऐसे करके। अब इसको दूसरी तरफ से पलट लेते हैं।
इसको दूसरी तरफ से भी हमने पलट लिया और अब इसको दोबारा से कोट करते हैं एक बार और ऐसे ही हम इसको इसमें डालेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी पलट के इसको फिर से इसमें ही डाल देंगे। अब इसको दूसरी तरफ से पलट के फिर से डाल देते हैं। इसको इस तरफ से पलट लेंगे। ये भी हमारा अच्छे से सीख गया है, आप देख सकते हैं इसको पलट लिया हमने, बहुत ही बेहतरीन हमारा ये सीख गया है। अब इसको भी निकाल लेते हैं और बाकी के पीसेस को भी करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बड़े ही अच्छे ब्रेड बने हैं और कोटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कोटिंग हुई है इसकी, सॉफ्ट भी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को सब्सक्राइब